हेलो गाइस, तो कैसे हो। मेरा नाम है अर्पित शर्मा, आप देख रहे हैं अर्पित शर्मा डायरीज। तो आज है सेकंड डे और सेकंड वीडियोस भी चली जाएगी यूट्यूब चैनल्स पर। और तो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं मेजा तहसील, जो है प्रयागराज से 55-56 किलोमीटर दूर। ये मेरी सेकंड ट्रिप होने वाली है। फर्स्ट ट्रिप मैंने कवर किया था 65 किलोमीटर प्रयागराज से, जो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था पहले ट्रिप पे, लेकिन सेकंड ट्रिप है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी स्कूटी चलानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं, फुल मेंटेन हो गए हैं और बस नहा धो के नाश्ता करके सट से निकलते हैं मेजा तहसील के तरफ। तो एक्चुअली आपको बता देता हूँ, तो मेजा तहसील में मेरे को काम नहीं है, मेरी सिस्टर को काम है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं कॉलेज से रिलेटेड। सो हेलमेट एंड माउंट मोटर व्लॉगिंग करते हुए चलेंगे। ओके गाइज, आर यू रेडी। तो गाइज आपको बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं। तो अभी मैं ट्राईपॉड लिया हूँ और इसके साथ मोटो व्लॉगिंग का सेटअप भी लिया हूँ। हो सकता है मैं दोनों यूज़ करूँ, हो सकता है एक यूज़ करूँ। यूजर्स के अकॉर्डिंग मैं यूज़ करूँगा इसको, देखते हैं किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, इसमें कैमरा माउंट लग जाता है, आराम से मोटो व्लॉगिंग आराम से हो जाती है। बाकी वाला माइक मैं जो टांगा हूँ इसको अपने हेलमेट में अटैच कर देंगे। तो आपको दिखा देता हूँ अपना हेलमेट। तो गाइस ये हेलमेट माउंट, और इसमें लगेगा आपका हेलमेट माउंट के साथ, और मोटो व्लॉगिंग आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऑल सेट टू गो। और हमने अपने घर के मंदिर में माथा टेका ताकि हम लोग अच्छे जाएं और अच्छे से आएं। और हम लोग अपने घर से 10:30 बजे निकल गए थे, और ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, मॉडरेट ट्रैफिक है। और आप देख सकते हो ये है प्रयागराज का 150 साल पुराना नैनी ब्रिज। तो इस ब्रिज से बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, 2-व्हीलर और 3-व्हीलर ही जाती हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है तो इसीलिए इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियाँ लाना बैन है, और आगे आप ला भी नहीं सकते क्योंकि आगे मेटल गड़ा हुआ है ताकि बड़ी गाड़ी निकले, छोटी गाड़ी ना निकल पाए उसमें से। और तभी हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ से हाईवे पे। हाईवे बहुत लंबा है और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, ट्रैफिक मॉडरेट था। हालांकि कहीं कहीं ट्रैफिक हमको देखने को मिल रहा था, ताकि फिर हमने अपनी पकड़ी स्पीड, और स्पीड को कॉन्स्टेंटली रखा था 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाके। तो हम प्रयागराज से बाहर आ गए थे, तो मेरे बहन ने कहा कि अब वो चलाएगी, मैं पीछे बैठता हूँ। तो मैंने फिर कहा ठीक है, तो मैं पीछे बैठ गया। फिर वो ड्राइव कर रही थी, फिर हमको पेट्रोल भी चाहिए था, हालांकि स्कूटी में था पेट्रोल फुल, लेकिन हमने कहा रिस्क क्यों लेते हैं, मिडिल में सुई है तो चलो फिल करा लेते हैं। तो फिर हम लोग गए पेट्रोल पम्प पर, वहाँ पेट्रोल पम्प नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला था। हम लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे पेट्रोल। तो देखिए, हम लोग प्रयागराज को छोड़ते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, जो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा था, हवा खा रहे थे। तो आप देख सकते हो आसमान में कितने बढ़िया बादल हो रखे हैं। हम लोग मेजा तहसील की तरफ जाते हुए, और मौसम में ठंडक होती है ना, वो ठंडक गाड़ी चलाते महसूस हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी। बाकी हम लोगों ने हेलमेट फुल प्रोटेक्शन पहन के रखा हुआ था। फिर हम आगे गए तो हमें दूसरा पेट्रोल पंप मिल गया, वहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल फिल कराया। और यहाँ पे 110 में हमारा पेट्रोल फुल हो गया, क्योंकि पहले से गाड़ी में पेट्रोल था। और फिर प्रिपरेशन करने के बाद मैं कहा लाओ चलो मैं चला जाता हूँ, तुम पीछे बैठो। हम लोगों ने कवर कर लिया था, आधा बचा था। फिर ठीक है, मैंने अपना जो मोबाइल है और उसको एक्शन प्रो में अटैच किया, मतलब अपने हेलमेट माउंट में अटैच किया। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो और आप देख सकते हो पूरा हाईवे जो है खाली है यहाँ पे, और बहुत ही दोनों तरफ ग्रीनरी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्कूटी चलाने में। फिर हमने इस टाइम को जो है टाइम लैप्स कर दिया ताकि आप बोर ना हो जाए। फिर आगे जाके जो अच्छा मौसम देखने को मिला, दोनों तरफ डार्क ग्रीनरी और जो मौसम है बहुत ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि वेदर जो है रह रह के बदल रहा था, चेंज हो रहा था, कहीं धूप हो रही थी, फिर छाँव हो रहा था, और बादल भी कहीं कहीं ज़्यादा नीचे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाड़ी चलाने में। उसके बाद हम लोग फिर आगे जाने लगे, हम लोग मस्त आगे जा रहे थे। फिर देखता हूँ बगल में एक बाइक आती है, अंकल हम लोग देखते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। तो पहले जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही थी अपने हाथ मोबाइल पकड़ कर। फिर मैंने माउंट नहीं लगाया था, फिर मैं सोचता हूँ चलो आके माउंट लगा लेता हूँ। तो अब मैं हेलमेट में मोबाइल अटैच करके उससे रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई थी। मेरी बहन बैठी थी तो वो रिकॉर्ड कर रही थी, वो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाती दोनों तरफ और ओवर देख पाती। लेकिन आप देख सकते हैं माउंटेन, और फिर आगे जाके हमको गंगा ब्रिज दिखा, जो मेजा और प्रयागराज के बीच में ही बना हुआ दिखता है, जो बहुत अच्छा सीन व्यू दिख रहा था। हम जितने ज़्यादा थके थे उतने ही ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है फिर वापस ही आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सीनिक व्यू दिख रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कहीं कहीं बारिश के भी आसार दिख रहे थे, और रिमझिम रिमझिम बारिश के कारण आप देख सकते हो। फिर हम लोगों ने यहाँ वेट किया क्योंकि हम मेजा पहुँच गए थे और यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था। फिर हम लोगों ने यहाँ वेट किया बहुत ज़्यादा कि बारिश रुक जाए। हालांकि हम लोग फुल प्रिपरेशन के साथ आए थे, अम्ब्रेला और रेनकोट के साथ आए थे, लेकिन हम लोग कहा ठीक है देख लेते, अगर ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वेट करते।
सकते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं, हम लोग को ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हम लोगों के पास सफिशेंट टाइम था कॉलेज पहुँचने के लिए। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ लिफ्ट उठा सकते हैं। तो स्कूटी यहाँ पे मस्त बारिश के पानी में नहा रही है और बढ़िया, जितनी भी गाड़ी गंदी हुई थी रास्ते में उतनी ही साफ हो गई बारिश के कारण, झमाझम बारिश हो रही थी, हालांकि मोबाइल में नहीं दिख रहा है, मस्ती नहा रही है। और मैंने सोचा चलो कुछ व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो फिर मैंने अपना कैमरा माउंट स्टार्ट किया और व्लॉगिंग करने लगा। तो मैं यहाँ वीडियो एडिट कर रहा था, मिट्टू बीच में बोल देता है, जी हाँ मैंने मिट्टू पाला हुआ है, तो पता चल जाता है मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसको बीच में बोलना होता है। स्टार्टिंग की, हाँ आंटी जी अंदर से बाहर आ गई थी एक बार, मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो उनको लगा कौन बाहर खड़ा को बड़बड़ा रहा है, फिर हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी जो है रोड उसी तरह थी, हालांकि कहीं भी रोड पर कहीं भी खराब रास्ता हम लोगों को देखने को नहीं मिला, एक आध जगह देखने को मिला था, और बाकी ओवरऑल देखा जाए रोड बहुत बढ़िया थी, कहीं भी गड्ढा गुड्ढी देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्लान किया और स्कूटी बहुत ज़्यादा भीग गई थी, तो मैं यहाँ स्कूटी साफ कर रहा हूँ। और जो है स्कूटी साफ करने के बाद, स्कूटी साफ करने का मतलब यहाँ पे स्कूटी पोंछ रहा हूँ क्योंकि गीली हो गई थी। और फिर हम लोगों ने प्लान किया चलो आगे चलते हैं, कॉलेज बस अब यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर और है। तो हमने देखा आगे जाके लोकेशन कितनी बढ़िया थी, दोनों तरफ जो ग्रीनरी थी बहुत बढ़िया लग रही थी, प्लस जो बीच में से रोड गई थी मतलब एक बिल्कुल सीनिक व्यू देखने को मिल रहा था, हालांकि ऐसी चीज़ें प्रयागराज में देखने को नहीं मिलती हैं। और जो है मैं बता दूं आपको, बारिश के कारण ऐसा लग रहा था कि हर चीज कहीं ना कहीं धुली धुली सी दिख रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने आके नेचर्स को धुल दिया है, और इतनी क्लियर क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिख रही थी, और सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना गांव की, वो एक अलग ही महसूस कराती है जब आप उसको फील कर पाते हो, अपने आंखों से देख पाते हो। हालांकि मैंने अभी हेलमेट उतार दिया था क्योंकि हम लोग अभी मेन रोड से अंदर आ गए थे, फिर मैं देखता हूँ कि बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कहीं मेरा बाल ना भीग जाए, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। कि आप देख सकते हो हम लोग कॉलेज पहुँच गए हैं, हालांकि वहाँ काम होते होते रह गया था, लेकिन हम लोगों ने फोन पर बात किया तो उन्होंने किसी तरह हम लोग करा। और वहाँ पर जो सीनिक व्यू के कारण जो वहाँ की हवा थी ना, तो शुद्ध हवा थी, हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, और सीनिक व्यू के कारण मैंने देखी ये वीडियो बनाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और दोनों तरफ तो, और हमने कहा कि चलो यहाँ खड़े होकर थोड़ा एक सीनिक व्यू और फील करते हैं मदर नेचर को। यार इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीनी हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और बीच में सब सड़क जाती है ना, दोनों तरफ ग्रीनरी हो तो आप कहीं ना कहीं रुकने का तो सोचोगे ही सोचोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं, एक तुम मेरा सीनिक व्यू लो, और एक सिनेमेटिक व्यू लेने की कोशिश किया। यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं तो फिर से मौसम जो है चेंज हो जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं धूप निकल आती है, बहुत झमाझम बारिश के बाद धूप निकली है, फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, प्यास लगती है तो हम लोग नैनी में आके फिर से एक बार फिर से जो है यहाँ पे जूस पीते हैं, जो मौसम्बी का जूस होता है। तो ओवरऑल देखा जाए डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोग को आना और जाना। तो यहाँ पे पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल यहाँ पे 200 रुपये का पेट्रोल अप्रॉक्स लग गया था हम लोगों को, और आते वक्त मैं ही ड्राइव किया था क्योंकि मैं जल्दी पहुँचना था। तो 3 बजे हम लोग पहुँच गए थे और बहुत बढ़िया लगा, हाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये थोड़ा सा व्लॉग पसंद आया हो वॉइस ओवर वाला, तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस तरह का और भी आगे व्लॉग चाहते हैं क्योंकि ये नया चैनल है, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं भी अपने तरफ से कुछ आपको एफर्ट दिखाऊंगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।